सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं फिर से आ गया हूँ एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। तो आज हम लोग सीखेंगे आउटडोर पोर्ट्रेट फोटो एडिटिंग। ओके, तो जो फोटोशूट होता है ना, फोटोशूट होने के बाद जो एडिट होता है, तो वो एडिट फोटोशॉप में कैसे करके क्रिएट करने होगा, तो वो आज हम सिखाएंगे। तो चलिए ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। ट्यूटोरियल शुरू करने के पहले एक बात मैं बोलूँगी कि हमारा ट्यूटोरियल आप लोग का पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करो, क्योंकि नया नया ट्यूटोरियल आने वाला है। एंड वीडियो को लाइक करके कमेंट करो एंड आपके दोस्तों के साथ शेयर भी करो। तो चलिए आज का जो एडिटिंग शुरू करते हैं। सो गाइस, देखिए इधर जो मॉडल है ये ओरिजिनल मॉडल, तो मैंने इफेक्ट देने के बाद, एडिट करने के बाद देखिए ये आउटपुट है। तो ये करने के लिए क्या क्या हमको चाहिए, तो वो सबसे पहले मैंने बोल देता हूँ। सो गाइस, देखिए जो आउटडोर जो पोर्ट्रेट एडिटिंग करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मॉडल को सिलेक्शन करेंगे। ओके, तो नंबर वन हम लोग मॉडल को सिलेक्शन करेंगे। देन हम लोग क्या करेंगे, मॉडल एंड बैकग्राउंड को टोटली दोनों लेयर में अलग कर लेंगे। ओके, दोनों लेयर में अलग करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो मॉडल को थोड़ा सा कलर एडजस्टमेंट करेंगे एंड हम लोग मॉडल को डॉजिंग एंड बर्निंग डॉज एंड बर्न प्रोसेस अप्लाई करेंगे। ओके, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो बैकग्राउंड है बैकग्राउंड को कलर करेक्शन करेंगे एंड सब लास्ट में जो फाइनल टच देने के लिए टोटल इमेज को हम लोग कलर करेक्शन करेंगे एंड थोड़ा सा क्लैरिटी देंगे। तो ये स्टेप हम लोग अप्लाई करके ये वाला फोटो एडिट करेंगे। तो चलिए डेस्कटॉप में जाके हम लोग स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। सो गाइस, देखिए इधर जो मेन जो मॉडल है, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, मॉडल को सिलेक्शन करेंगे। तो सिलेक्शन करने के लिए कंट्रोल जे करके एक डुप्लीकेट कॉपी मैंने क्रिएट कर लिया। तो इसके बाद हम लोग पेन टूल देके फटाफट से सिलेक्शन कर लेता हूँ। ओके, देखिए हमारा इधर सिलेक्शन हो गया। देन हम लोग देखिए मेक सिलेक्शन करके ओके किया। ओके, तो देखिए सिलेक्शन हमारा आ गया। तो इसके बाद हम लोग मार्क्स अप्लाई करेंगे। ओके, तो देखिए मार्क्स आ गया। तो ये वाला इमेज मैंने जस्ट नीचे वाला लेयर मैंने क्लोज कर दिया। तो इसके बाद देखिए जो जो पार्ट सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो हम फिर से सिलेक्शन कर लेते हैं पेन टूल देके। गाइस, देखिए हमारा सिलेक्शन इधर हो गया। तो इसके बाद हम लोग जो हेयर ठीक ठाक सिलेक्शन करेंगे, तो इसीलिए मार्क्स लेयर सिलेक्शन करके हम लोग जाएंगे सिलेक्ट एंड मार्क्स ऑप्शन में। ओके, तो जाके देखिए ब्रश टूल देकर हम लोग जो हेयर को ठीक ठाक सिलेक्शन कर लेते हैं। ओके, तो इसके बाद रेडियस थोड़ा सा दे देंगे, स्मूथ भी थोड़ा सा दे देंगे एंड कॉन्ट्रास्ट भी थोड़ा सा दे देंगे। देन ओके, तो देखिए इधर हमारा सिलेक्शन हो गया। तो देखिए मेन लेयर मैंने ओपन कर लिया। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जस्ट मॉडल एंड बैकग्राउंड इमेज टोटली दोनों लेयर में अलग करेंगे। तो इसीलिए देखिए जो मार्क्स लेयर है ना, मार्क्स लेयर सिलेक्शन करके कीबोर्ड का कंट्रोल प्रेस करके जस्ट क्लिक किया, तो देखिए मॉडल सिलेक्शन हो गया। तो इसके बाद हम लोग जाएंगे इधर सिलेक्ट में जाके देखिए इधर हम लोग जाएंगे मॉडिफाइड देन एक्सपेंड। ओके, तो जाके देखिए एक्सपेंड 5 करके मैंने ओके कर लिया। तो देखिए थोड़ा सा इमेज सिलेक्शन एक्सपेंड हो गया। देन मार्क्स को देखिए हम लोग अप्लाई कर लेंगे। तो इसके बाद देखिए जस्ट सेकेंड वाला लेयर सिलेक्शन करके हम लोग जाएंगे देखिए इधर हम लोग जाएंगे इधर एडिट एंड देखिए इधर कंटेंट एवर फील्ड बोल के एक टूल है, जस्ट मैंने क्लिक कर लिया। तो देखिए इधर मॉडल जो गायब हो जाएगा, तो वो प्रोसेसिंग देखिए इधर चालू हो गया। ओके, देखिए इधर इमेज देखिए मॉडल गायब हो गया। ओके, तो देन मैंने ओके बटन में प्रेस किया। तो देखिए जस्ट मैंने क्लोज कर देता हूँ। देखिए ये वाला जो बैकग्राउंड जो लेयर है, ये वाला होता है मॉडल लेयर। ओके, तो दोनों जो लेयर मैंने कंट्रोल ई करके मार्च कर लिया। तो देखिए दोनों लेयर अलग हो गया। तो देखिए पैच टूल देखिए हम लोग ये वाला जो है इधर ठीक ठाक करेंगे सिलेक्शन कर करके। ओके, ओके, देखिए इधर जो बैकग्राउंड आ गया।
तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बैकग्राउंड लेयर सिलेक्शन करके हम लोग देखिए जाएंगे फिल्टर देन ब्लर देन गोजियन ब्लर। ओके, तो रेडियस देखिए 4.1 नहीं तो 4.8 पिक्सल मैंने करके ओके किया। तो देखिए दोनों जो इमेज एंड मॉडल हमारा क्रिएट हो गया। तो इसके बाद देखिए जो इधर बैकग्राउंड लेयर है, बैकग्राउंड लेयर को थोड़ा सा कलर एडजस्टमेंट करेंगे। तो इसीलिए एडजस्टमेंट पैनल में जाके मैंने ह्यू एंड सैचुरेशन में जाके सैचुरेशन थोड़ा सा बढ़ा दिया। ओके, तो इसके बाद हम लोग मॉडल इमेज को एडजस्टमेंट करेंगे। तो इसीलिए जस्ट मॉडल लेयर सिलेक्शन करके हम लोग एडजस्टमेंट पैनल में जाके हम लोग देखिए इधर जाएंगे कार्व्स ऑप्शन में। ओके, तो कार्व्स ऑप्शन में जाके देखिए थोड़ा सा कलर को ऐसे करके हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे। देन देखिए जो फेस फेस है, फेस देखिए हम लोग ब्लैक हो गया तो इसीलिए रिमूव कर लेंगे। ओके, इसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, जो स्किन है स्किन को थोड़ा सा स्मूथ करेंगे। तो इसीलिए देखिए मॉडल लेयर मैंने सिलेक्शन करके इधर देखिए स्मैच टूल है, स्मैच टूल देके हम लोग क्या करेंगे, इधर स्ट्रेंथ मैंने 21 पिक्सल रखी हूँ। तो देखिए इधर फेस को थोड़ा सा हम लोग स्मूथ करेंगे ऐसे करके। ओके, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डॉज एंड बर्न प्रोसेस अप्लाई करेंगे। तो इसीलिए जस्ट मॉडल लेयर सिलेक्शन करके हम लोग न्यू लेयर मैंने क्रिएट किया। देन हम लोग जाएंगे एडिट देन फिल। ओके, तो फिल में जाके इधर देखिए कंटेंट 50% ग्रे करके मैंने ओके किया एंड ब्लेंड मोड चेंज करके हम लोग करेंगे ओवरले। ओके, तो इसके बाद हम लोग देखिए इधर डॉज टूल है, डॉज टूल सिलेक्शन किया एंड एक्सपोजर 10 रख के देखिए जो हाईलाइटेड पार्ट है तो वो थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे। ओके, ऐसे करके। एंड देखिए इसके बाद देखिए बर्न टूल मैंने सिलेक्शन करूँगी। बर्न टूल देके देखिए हेयर और जो जो पार्ट हमारा ब्लैक चाहिए वो वाला हम लोग क्रिएट करेंगे। एक्सपोजर थोड़ा सा कमा लेंगे, एक्सपोजर 9 करके देखिए हम लोग जो ब्लैक पार्ट है वो एडजस्टमेंट करेंगे। ओके, तो देखिए इधर प्रोसेस अप्लाई हो गया बिफोर देन आफ्टर, बिफोर आफ्टर। ओके, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जस्ट देखिए टोटल इमेज को हम लोग कलर एडजस्टमेंट करेंगे। तो इसीलिए न्यू लेयर मैंने क्रिएट कर लिया एंड एक मार्च इमेज क्रिएट करूँगी। तो इसीलिए मेरा कीबोर्ड का कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस ई मैंने प्रेस किया, मार्च इमेज आ गया। तो इसके बाद हम लोग जाएंगे फिल्टर देन कैमरा रॉ फिल्टर। कैमरा रॉ फिल्टर में जाके हम लोग टोटली इमेज को कलर करेक्शन करेंगे। बैकग्राउंड देखिए येलो करेंगे एंड देखिए इधर ड्रेस कलर भी चेंज करेंगे। तो इसीलिए देखिए थोड़ा सा हम लोग इधर कॉन्ट्रास्ट हाईलाइट ऐसे करके हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। ओके, तो देखिए इधर जो मॉडल है टोटली अलग हो गया। देखिए बिफोर ए वाला था, तो देखिए आफ्टर जो कलर करेक्शन करने के बाद देखिए ए वाला इफेक्ट आ गया। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जस्ट देखिए इधर जो एडजस्टमेंट पैनल है, एडजस्टमेंट पैनल में जाके हम लोग देखिए इधर सिलेक्टिव कलर है ना, सिलेक्टिव कलर सिलेक्शन करूँगी। देन येलो कलर इधर सिलेक्शन करके हम लोग थोड़ा सा इधर भी कलर एडजस्टमेंट करेंगे ऐसे करके। ओके, देन देखिए हम लोग फिर से एक मार्च इमेज क्रिएट करूँगी एंड कैमरा रॉ फिल्टर अप्लाई करूँगी। तो जस्ट देखिए मैंने जाऊँगी फिल्टर देन कैमरा रॉ फिल्टर। ओके, तो कैमरा रॉ फिल्टर में जाके थोड़ा सा देखिए हम लोग कलर को और थोड़ा एडजस्टमेंट करेंगे। तो इसके बाद देखिए थोड़ा सा हम लोग देखिए इधर रेड कलर आ गया तो हम लोग रिमूव करेंगे। तो इसीलिए एक मास्क लेयर क्रिएट कर लिया, ब्रश टूल देकर देखिए इधर हम लोग कलर को रिमूव करेंगे। ओके, तो इसके बाद देखिए जो लिप कलर थोड़ा सा हम लोग हाईलाइट करेंगे। तो इसीलिए एक न्यू लेयर मैंने क्रिएट कर लिया। इधर देखिए हम लोग ए वाला जो लिप कलर चेंज करेंगे, ए वाला कलर सिलेक्शन करके मैंने ब्रश टूल देके देखिए इधर थोड़ा सा कलर मैंने दे दूंगी। ओके,
ओके, तो ब्लेंड मोड चेंज करके हम लोग कर लेंगे इधर सॉफ्ट लाइट, ओके, सॉफ्ट लाइट करके ओपेसिटी थोड़ा सा हम लोग कमा देंगे। देखिए लीफ कलर आ गया, तो इसके बाद आई को थोड़ा सा हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे, तो इसीलिए जस्ट न्यू लेयर मैंने क्रिएट कर लिया, फोरग्राउंड कलर व्हाइट करके ब्रश टूल दे के देखिए इधर थोड़ा सा देखिए डॉटेड हम लोग क्रिएट कर लिया। देन हम लोग चेंज करेंगे ब्लेंड मोड ओवरले, ओके, एंड ओपेसिटी थोड़ा सा हम लोग कमा देंगे, ओके, तो देखिए बिफोर देन आफ्टर, तो आई देखिए आई एंड लीप इधर क्रिएट हो गया। तो इसके बाद इमेज को थोड़ा सा क्लैरिटी देंगे, तो इसीलिए एक मार्च इमेज हम लोग क्रिएट कर लेंगे। देन देखिए इधर ब्लेंड मोड चेंज करके हम लोग इनर लाइट कर दिया, एंड हम लोग जाएंगे फिल्टर देन अदर देन हाई पास, ओके, थोड़ा सा इमेज क्लैरिटी भी हो गया। देखिए रेडियस 0.7 पिक्सल रख के मैंने ओके किया, तो देखिए इमेज थोड़ा सा क्लैरिटी आ गया। तो देखिए हमारा जो इमेज था पहले वाला इमेज, देखिए ये वाला इमेज, तो आफ्टर चेंज बैकग्राउंड कलर एंड मॉडल ड्रेस कलर चेंज करने के बाद देखिए ये वाला इफेक्ट आ गया। तो ये आउटडोर पोर्ट्रेट फोटो एडिटिंग इधर क्रिएट हो गया। सो गाइज आई होप कि ट्यूटोरियल आप लोग का पसंद आई होगा। हमारे ट्यूटोरियल आप लोग का पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, और क्या क्या ट्यूटोरियल आपको चाहिए वो भी आप लोग बोल सकते हो, और एक तो कमेंट करके बोलो वीडियो कैसा लगा, आपके दोस्तों को साथ शेयर भी करो, ओके। तो चलिए फिर मिलते हैं एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ, तब तक लिए गुड बाय, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड टेक केयर, बाय बाय।